गाइस इमिग्रेशन तो बहुत ही स्मूथ हो गया, बट जो एयरलाइंस वालों ने मैं अपनी चुल्ल मचाई है ना, लिटरली उन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे हैं। सो गाइस आज है मेरी फ़्लाइट, एयर इंडिया की मेरी फ़्लाइट है डायरेक्ट दिल्ली टू टोरंटो, एंड अराउंड 15 आवर्स की फ़्लाइट है। उसका एक्सपीरियंस जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जो फीलिंग है ना, लाइक बहुत अजीब सा फील हो रहा है, लाइक जैसे ना पीछे बहुत कुछ छूट रहा होगा ऐसा कुछ। बन गई यहाँ पे खड़े हो गए। ਮਰਸੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਵਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਭੂਆ ਪੜਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ 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 ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ। He's most disturbing and favorite student. दीदी अंदर देख लो कुछ है तो नहीं? पिट्टू बैग मेनू दे दो। एक मिनट चीकू से तो मिल लो। चीकू कहाँ है? चीकू तो बीएचपी होना बस टाइम पे। चल चीकू ठीक है, दो तीन साल बाद ऐसी रहना हाँ। मैं इसको देख रहा हूँ। फोन तेरे मेरे को हैं? फोन और सुनिए। हाँ मैं क्या उच्च रखे हैं? बैठ के देखा देखो।
अभी हम पहुंचे मुरादाबाद और टाइम हुआ है 5 बज रहे हैं। ये बहुत एडवांस लोग, इनको लगता था कि ये कभी बीमार नहीं होंगे, और अभी ये गैसो फास्ट के खुल गए इनके पैकेट विद कोल्ड ड्रिंक। क्या हुआ दी? बुरा हाल हो गया। अभी हम हैं टर्मिनल 3 पे। मतलब हदी का पहले रोटी रोटी गई है खाना। हाँ, सो मेरी जो फ्लाइट का है वो है AI 187 टोरंटो F2G, कोई भी इसका हो सकता है, मतलब F से G तक मुझे लग रहा है कि इसमें चेक इन होगा। सो FG पर हमें जाना है, 2:55 की टाइमिंग है। अभी हम एंटर हो गए हैं एंड लेट्स सी, आगे देखते हैं। तो जो अभी मैं जा रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा थक गया है। सो 13 गेट नंबर है, एंड जो एयरलाइंस वालों ने चुल्ल मचाई है ना, उन्होंने मतलब मैंने उन्हें अपना LOA दिया एंड उसके बाद उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट LOA, तो उसमें क्लियरली लिखा था लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर भी उसको नहीं दिखा। फिर उसने मेरे से बोला कि अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन कर, फिर मैंने लॉगिन करके दिखाया उसको एंड उसके बाद उसको, फिर उसके बाद मैंने उससे विंडो सीट भी बोला, मैंने कहा विंडो सीट भी करके दो, दैट्स इट। सो एयरलाइंस वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल के क्वेश्चन भी पूछे थे इन्होंने कि टोटल क्या खर्चा आया एंड तुमने कौन से फाइनेंशियल मेंशन किए हैं। तो लिटरली मुझे सिर्फ ITR याद थे एंड टोटल अमाउंट कितना है वो मैं भूल गई थी, बट मैंने ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया, मैंने बोला हाँ आई हैव मेंशन ओनली ITR। सो ऑल दीज थिंग्स एंड गाइज, एयर इंडिया बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इवन 500 ग्राम भी स्टूडेंट को अलाउड नहीं कर रहा था। एक स्टूडेंट था उसके 500 ग्राम ज़्यादा था, उसको वहीं पे कैप एंड ग्लव्स पहनना पड़ा। सो हे गाइज, इमिग्रेशन के क्वेश्चन तो काफ़ी स्मूथ थे, बट जो एयरलाइंस वालों के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। सो मेरा एक फ्रेंड था जिसने मतलब दूसरी एयरलाइंस KLM से फ्लाई किया था एंड मेरी एयर इंडिया, सो उससे भी एयरलाइंस वालों ने ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। सो बी प्रिपेयर्ड एंड उन्होंने मेरे से ये भी बोला कि अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाओ, तो मैंने वो भी दिखाया एंड उन्होंने कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा था, तो मैं अपने साथ सारे ही डॉक्यूमेंट थे तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, उन्होंने बस यही। एंड जो भी लोग अब ट्रैवल करने वाले हैं, प्लीज़ ये बैग जो मेरे पास है ये वाला बिल्कुल मत लेना, ऑल दो इसमें टायर्स हैं, बट ट्रॉली बैग लेना बहुत इजी रहता है क्योंकि आपको इसको उठा के चलना पड़ता है। ट्रॉली बैग को आप कहीं भी खड़ा कर सकते हो एंड ये सारी चीज़ें, एंड लैपटॉप बैग में हिसाब का सामान लाना क्योंकि बहुत खड़ा होना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। एंड लैपटॉप बैग में, वैसे मेरा लैपटॉप बैग मेज़र नहीं हुआ, उसमें जितना सामान आप चाहो उतना भर सकते हो। बहुत कम है, सो दिस इज लाइक इट। एंड अभी 8 बजे हैं एंड
सबसे पहले एरोप्लेन में जाते ही हमको कुछ चीज़ रोल जैसा मिला जिसका टेस्ट बहुत ही बकवास था। उसके बाद ये नाश्ता टाइप का, ब्रेकफास्ट टाइप का मिला, ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ही सर्व कर रहे थे। इसमें कुछ इडली था एंड साथ में कोई डिश है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एंड ये इसका टेस्ट ठीक था एंड नाश्ता सही था एयर इंडिया का, वो मैंने कर लिया था एंड सब ओके ओके था अभी तक तो। पानी की बॉटल भी थी एंड यहाँ पर जो सीट्स वगैरह थी वो काफ़ी बेकार कंडीशन में थी एंड ये स्क्रीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। अगर जहाँ स्क्रीन काम कर रहे थे वहाँ रिमोट नहीं काम कर रहे थे। लाइक जो ओवरऑल सिचुएशन थी एयरलाइंस की, जितना इन्होंने चार्ज किया है उस हिसाब से कोई भी अच्छी सर्विस बिल्कुल नहीं थी। फिर उसके बाद आता है इन्होंने हम सर्व किया और भाई सैलेड के अलावा कुछ अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं। एक दाल है, चावल है, देन पालक पनीर है और मैंने इसमें से, ये मेरा एंड है, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, बस इसमें से मैंने सैलेड खाया है और पनीर के जो टुकड़े हैं उनको खाया, बाकी कुछ भी खाने लायक नहीं था। एंड जो डेजर्ट था वो भी बहुत ही गंदा था। सो गाइज, इमिग्रेशन डन एंड अब जा रहे हैं हम लगेज कलेक्ट करने। बहुत सारे स्टूडेंट थे, मतलब इतनी भीड़ थी कि उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं इमिग्रेशन, और मतलब पूछा, मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। एंड अभी जो है बेल्ट 7 पे लगेज कलेक्ट करना है, ये है बेल्ट 7। सो आई एम गोइंग टू कलेक्ट द लगेज। भाई इसमें से अपना ढूंढ लो जिसका मिल रहा है। मुझे लग रहा है मेरा वो है, एक तो वो है मेरी दीदी ने बांधा है उस पर। हाँ एक तो ये है, एक और ढूंढना है। यार यहाँ पे ढूंढना ऐसे लग रहा है थोड़े कट्ठे मिल गए थे दोनों। नहीं नहीं कितनी नहीं जानती मैं, इधर ही है मैं इसी। हाँ जी हाँ जी, ये रहा कनाडा की फर्स्ट अपीयरेंस। एंड यार बहुत याद आ रही है घर वालों की अभी से ही, पता नहीं कैसे रहना है यहाँ पे सच में। अभी कुछ वेदर अंदर है तो पता नहीं चल रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, ऊपर से गर्मी लग रही है बहुत सारी। जो इमिग्रेशन के क्वेश्चंस थे, फर्स्ट जैसे ही हम गए हम सब स्टूडेंट को उन्होंने एक पूरे हॉल में रख दिया। अराउंड वहाँ पर 500 इंडियन स्टूडेंट होंगे जो एयर इंडिया के आए थे, 400-500 थे एयर इंडिया में, सारे ही स्टूडेंट थे, लाइक 99% स्टूडेंट थे। एंड उसके बाद उन्होंने जो बाकी के थे जो दुबई से ट्रैवल कर रहे थे उनको एक जगह सीट पे बैठा दिया, जो इंडियन थे उनको एक साइड बैठा दिया। ये करने के बाद उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की, लाइक इसी में उन्होंने 1.5 आवर अपना लगा दिया है। कभी काउंटिंग कर रही थी वो, फिर भूल जा रही थी, फिर से काउंटिंग कर रही थी, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि सारे स्टूडेंट अपने जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है उसका फर्स्ट पेज अपने हाथ में रख लें। तो हमने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज निकाला अपने हाथ में। उसके बाद उन्होंने एक लाइन लगाई और नेक्स्ट एक और हॉल में जहाँ पर इमिग्रेशन हो रहा था वहाँ पर सारे बच्चों को बैठा दिया, मतलब नीचे बैठे हुए थे सारे बच्चे। एंड कुछ बच्चे आगे थे जिनका नंबर आया था,
उसके बाद जो अराइव कैन ऐप पे जो प्रोसेस होती है सेम प्रोसेस उन्होंने करवाई वहाँ पर। जो वहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी वाली गर्ल्स थी या बॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि मशीन चलाने में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि पासपोर्ट को कैसे स्कैन करना है, क्या क्या ऑप्शन फिल करना है, ऑप्शन पता था पर पासपोर्ट कैसे डालना है उसका कुछ ऐसा प्रॉपर बता नहीं रखा था, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। बट वहाँ पर एक आई डोंट नो कौन सी थी वो, बट इंडियन नहीं थी एंड वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी भाई। वो कह रही थी आई डोंट नो रीड योर सेल्फ एंड ऑल, तो सब बच्चे उसको कह रहे थे कि भाई अगर इंडिया में होता ना तो पक्का बोल गया था कि तू रखा क्यों है जब तू हेल्प नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद वहाँ से हमें एक स्लिप मिली, मेरा नंबर 18 था एंड उसमें जो काम के डेज आते हैं उसमें आपको 365 डेज, सॉरी जो आपकी स्टडी के डेज आते हैं 365 डेज और 2 ईयर्स के डेज जितने भी होते हैं काउंट करके वो लिखे होते हैं, चाहे आपका कोर्स 7 महीने का चाहे 8 महीने का, आपको उसमें पूरा एक साल का भरना होता है 365 डेज। और बाद के जितने ऑप्शन होते हैं सब में नो 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 करना होता है अगर किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि हम इतना ऑलरेडी थके होते हैं, इतनी लंबी फ्लाइट थी। उसके बाद स्लिप मिली, स्लिप मिलने के बाद हमें स्टडी परमिट वाला पेपर दे दिया गया और हमने उसमें चेक किया कि कोई मिस्टेक तो नहीं है डेट ऑफ बर्थ या स्टडी का, रिमार्क्स किसी को मिले किसी को नहीं मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए, हमारे हाथ में उस टाइम पे हमारा पासपोर्ट और वो जो नंबर शीट थी वो एंड हमारा स्टडी परमिट था। और उसके बाद हम वहाँ गए, चार कॉर्नर थे और सब एक एक पे गए। तो जब मैं गई तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया लाइक व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ योर कोर्स, और वहाँ पे फीस का कुछ बहुत बड़ा अमाउंट था 26,000, तो उन्होंने पूछा कि दिस इज़ द अमाउंट यू हैव पेड। सो मैंने उन्हें क्लियर बोला कि नो आई हैव पेड ओनली 18,999 एंड 450 फॉर इंश्योरेंस। तो उन्हें जो भी लगा उन्होंने अपना जो भी कटवट था वो करके मुझे कहा गुड टू गो, तो फिर मैं चले गई। सो यही क्वेश्चन थे और कुछ बच्चों से बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही थी, डिपेंड कर रहा था कि कौन कौन एजेंट क्या पूछ रहा, कुछ कम पूछ रहे थे कुछ ज़्यादा। हाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे एक था वो इतना क्यूरियस था वो आधा घंटा लगा रहा था एक स्टूडेंट पे। सो दिस इज़ इट इन दिस ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।